सही हदीस है रसूल वसलम ने फरमाया हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह के पास एक शख्स आया अबू दाऊद की हदीस कि मेरा बाप मेरी बीवी को पसंद नहीं करता और मुझे हुक्म देता है कि मैं उसको तलाक दे दूं तो अबू दरदा रजी अल्लाह उन्होंने क्या फतवा दिया वो आज के स्कॉलर नहीं थे उन्होंने कहा रिजर रब फी रिजल वाल सखत रब फी सखत मैंने मोहम्मद वसल्लम से सुनाए जिसने खुदा को खुश करना है बाप को खुश करे जिसने अल्लाह को खुश करना है नाराज करना है वो बाप को नाराज कर दे क्या मतलब इसमें इशारा था कि बाप अगर कह रहा है तो क्या करो छोड़ दो हम मानते हैं कि यह हुकुम तलाक नहीं है वो अच्छा ज़माना था यकीनन वो बहू बाप के साथ जुल्म कर रही थी तभी हुक्म दिया जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक शख्स आया उसने कहा मेरा बाप कहता है मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं यानी बहू को तलाक दे दूं तो इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया मत दो तलाक उन्होंने कहा नबी ने तो फरमाया है हजरत उमर के बेटे को कहा था कि अपने बाप की इताअत करो हजरत उमर ने अपने बेटे से कहा था कि बहू को छोड़ दो ना तो नबी ने हुक्म दिया कि अपने अब्बा की इताअत करो अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि अपने बाप की इताअत करो तो उस शख्स ने इमाम अहमद बिन हम्बल से कहा कि नबी ने तो हुक्म दिया है कि बाप की क्या करो इतात और आप कह रहे हैं आप तो इस हदीस के खिलाफ जा रहे हैं तो इमाम अहमद बिन हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं उन्होंने फरमाया कि हल अबू का मिसल मिसलु उमर क्या तुम्हारे अब्बा भी उमर बिन खताब जैसे हैं यानी जब उमर हुक्म दे रहे हैं तो वो किसी कोई रीज़नेबल हुक्म होगा उसकी वो लॉजिक होगी आजकल के अब्बा उस तरह नहीं है तो हम भी ये नहीं कहते कि आपका बाप या माँ हुकुम दे रहे हैं बहू को छोड़ दो इस ज़माने में नहीं हुम दिया जाएगा इसलिए कि ज़माने में क्या पता िम कौन है लेकिन इससे औरत के सास और सुसर के रिश्ते का तो पता चल रहा है ना नबी ये भी तो कह सकते थे कि उमर तुम्हारा क्या लेना देना बहू से तुम्हारा बेटा जाने और उसकी बीवी जाने छोड़ो तुम्हारा क्या लेना देना नहीं भाई लेना देना होता है बहू बेटी की तरह होती है तभी बहू से निकाह हमेशा हराम होता है बहू का सुसर से पर्दा नहीं होता उसमें यह कहना कि सुसर का कोई रिश्ता ही नहीं है ये ठीक होगा अब ऐसे मौके पे कहना अबू दरदा रजी अल्लाह शख्स को यह भी तो कह सकते थे जो हजरत अबू दरदा के पास आया कि मेरा बाप कह रहा है पे अपनी बीवी को तलाक़ दे दूँ अबू दरदा यह भी कह सकते थे भाई तेरे बाप का क्या लेना देना तेरी बीवी से वो कह रहे हैं तो कहने दे ये भी तो कह सकते थे ना उन्होंने फतवा दिया कि दे दो हम यही फतवा देते हैं कि मत दो पहले तहकीक करो कि गलती पर कौन है ऐसा अगर बहू वाकई मामूली तौर पर सास सर को सता रही है और ग़लती भी बहू ही की है सास वसर की नहीं है फिर इस हदीस पर अमल किया जाएगा लेकिन नॉर्मली आज के ज़माने में ये क्योंकि आजकल तो किसी सास को कोई बहू पसंद ही नहीं आती है तो ये तलाकें बढ़ जाएंगी।